नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नई चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है रोल रिवर्सल। जी हाँ, आपने ये टर्म तो बहुत कॉमनली सुना होगा कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। बिल्कुल सही बात है, हम कभी भी दूसरे की जगह जाके नहीं सोच सकते अनटिल एंड अनलेस एक्चुअली में आप जाके सामने वाले की पोजीशन पे खड़े हो जाएं। और इसके लिए खाली सोचना काफ़ी नहीं है, ये एक्चुअली थिंकिंग और डूइंग में बहुत डिफरेंस है। तो आपको वो करना होगा, आपको उसकी जगह जाके खड़ा होना होगा। एग्जाम्पल के लिए एक स्टोरी बताते हैं। एक कंपनी में दो डिपार्टमेंट्स थे, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दोनों, सेल्स इंजीनियरिंग का और कस्टमर सपोर्ट का। दोनों में अक्सर लड़ाई रहती थी। दोनों और डिपार्टमेंट्स अपने अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बट सेल्स इंजीनियरिंग वालों का कहना था कि कस्टमर सपोर्ट वाले जो हैं उनके कस्टमर्स को ठीक से डील नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनको प्रोडक्ट बेचने में दिक्कत हो रही है। और कस्टमर सपोर्ट का कहना था कि सेल्स इंजीनियरिंग वाले हमारा फीडबैक नहीं लेते। और इस तरह से ये फाइट जो है वो काफ़ी दिनों तक चलती रही। जो कंपनी के हेड थे उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। तो उन्होंने एक दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, और वो क्या था, उन्होंने सेल्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड को कस्टमर सपोर्ट का हेड बना दिया और कस्टमर सपोर्ट वाले को इधर ट्रांसफर कर दिया सेल्स इंजीनियरिंग में। एक्चुअली में उन्होंने पोजीशन बदल दी, जबकि दोनों का इन दोनों डिपार्टमेंट्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं था प्रायर। शुरू में तो एक हफ्ते तक तो दोनों बहुत घबराए, लेकिन जब उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली और उसके बाद उन्होंने काम को डीपली देखना शुरू किया, तब उन्होंने एक्चुअली में समझा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। अब दोनों डिपार्टमेंट्स ने इतना अच्छा कॉपरेट अपना करना शुरू कर दिया कि दोनों कंपनी के बेस्ट डिपार्टमेंट्स में काउंट हो गए। तो इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने सोचा नहीं, कंपनी के हेड ने डिसीजन लिया कि उसने दोनों डिपार्टमेंट्स के हेड की पोजीशंस एक्चुअली बदल दी। दोस्तों, बहुत फेमस कंपनी है दुनिया में शिंडलर, शिंडलर जो कि लिफ्ट और एलिवेटर्स बनाती है। और उस कंपनी में एक रूल है, जो भी उस कंपनी को ज्वाइन करता है वो उनके फैक्ट्री लेवल पे जाके नीचे, चाहे वो सीईओ हो चाहे वहाँ का बेस वर्कर हो, वो जाके ग्राउंड लेवल पे काम ज़रूर करता है जहाँ पे एक्चुअली में मशीन्स इंस्टॉल होती हैं और काम बिल्कुल ज़मीन से किया जाता है। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि किसी को भी कंपनी के, चाहे वो सीईओ हो चाहे बिल्कुल लोएस्ट लेवल का वर्कर हो, उसके दिमाग में कोई एयर नहीं होती। इवन जो हायर मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, उसको भी पता होता है कि ग्राउंड लेवल पे जाके काम करने की रियलिटी क्या होती है। वो खाली इमेजिनेशन में नहीं होता, वो एक्चुअली करते हैं। सो दीज आर वन ऑफ द फ्यू बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड जिसके एग्जीक्यूटिव्स या टॉप मैनेजमेंट्स एक्चुअली असेंबली लाइन्स पे जाके या फैक्ट्री में जाके अपने हाथ गंदे करते हैं और जानते हैं कि बिल्कुल टर्मिनल वर्कर के लेवल पे काम करना क्या होता है। दोस्तों, इसी तरीके से बहुत अंतर है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप MBA करते हैं या आप बिज़नेस के बारे में पढ़ते हैं, उससे आप अच्छा बिज़नेस करना नहीं सीखेंगे। हाँ, आप बिज़नेस के कॉलेज में प्रोफेसर ज़रूर बन सकते हैं। वाइस वर्सा, अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं, आपको लिटरेचर पढ़ना बहुत पसंद है, तो आप पढ़िए लिटरेचर, बहुत ज़्यादा पढ़िए, लेकिन लिटरेचर पढ़ने से आप राइटर नहीं बन जाएंगे, आप लिटरेचर के प्रोफेसर ज़रूर बन सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, जब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की बात आती है, जैसे मोरालिटी, जैसे एथिक्स, तो एक स्टडी की गई क्या जो प्रोफेसर्स कॉलेजेस में एथिक्स पढ़ाते हैं या मोरालिटी पढ़ाते हैं, क्या एक्चुअली में वो खुद भी बहुत मॉरल और एथिकल होते हैं प्रैक्टिस करने में। ये चीज़ टेस्ट की गई जानने के लिए कि थिंकिंग और डूइंग क्या सेम चीज़ है या अलग अलग हैं। तो जब उस मोरालिटी के प्रोफेसर्स को 37 क्राइटेरिया पे नापा गया, जिसमें कि छोटी छोटी चीज़ें थी, क्या वो ब्लड डोनेट करते हैं, क्या वो डोर्स आराम से बंद करते हैं, क्या कॉन्फ्रेंस के बाद वो अपनी टेबल क्लीन करते हैं, तो पाया गया कि इवन जो प्रोफेसर्स मोरालिटी या एथिक्स पढ़ाते हैं, इन पर्सन उनका बिहेवियर बाकी प्रोफेसर से डिफरेंट नहीं था। तो मतलब कोई चीज़ सोचना और कोई चीज़ करना, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। दोस्तों, तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में जो कि सेंचुरीज से बहुत सक्सेसफुल हैं, और वो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, एक तो है चर्च, और सेकंड है आर्मी, और थर्ड है यूनिवर्सिटी। वो इसलिए हैं तीनों क्योंकि इनमें जो टॉप का लेवल है, जैसे कि चर्च में जो बिशप हैं या जो टॉप मोस्ट पोजिशन होल्डर हैं, पोप हैं,
तो वो लोग भी एक बार बिशप रहे हैं। इनमें जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो बेस लेवल से शुरू करते हैं काम। इसी तरह से आर्मी के जनरल्स होते हैं तो वो भी सोल्जर के लेवल से काम करके उस लेवल पर पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटी में भी जो डीन या प्रिंसिपल हैं वो भी एक टाइम प्रोफेसर थे। तो चूंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है तो वो ग्राउंड लेवल की उनके बिल्कुल जो लोएस्ट वर्किंग वो है स्ट्रेटा है उसकी प्रॉब्लम समझते हैं वो लोग। अब चाहे कोई वॉलमार्ट के सीईओ हैं, चाहे वो 2 लाख अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहे हैं, अगर आप उन्हें 2 लाख की मिलिट्री दे देंगे तो क्या वो मैनेज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक बिल्कुल स्पेशलाइज्ड काम है और वो वही बंदा कर सकता है जिसने सोल्जर की तरह से ग्राउंड लेवल पे ड्यूटी की है। तो दोस्तों ये थिंकिंग और डूइंग 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों को अगर आप समझते हैं और अपने प्रैक्टिस में लाते हैं तो ये आप अपने चाहे वो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, चाहे आपका एम्प्लॉई है, चाहे आपका क्लाइंट है, अगर आप पॉलिटिशियन है तो आपका वोटर है, उनके साथ आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से तब बना सकते हैं जब आप उनके साथ रोल रिवर्सल करते हैं। रोल रिवर्सल का मतलब है आप खुद उनकी जगह जाकर खड़े हो जाते हैं, खाली मेंटली नहीं बट एक्चुअली में आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों उस राजा की कहानी तो हम सभी लोगों ने सुनी होगी जो कि भिखारी की तरह ड्रेस करता है और जाके अपनी प्रजा के साथ मिलता है, उनकी प्रॉब्लम्स जानता है। तो एक्चुअली में अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो उसको इमेजिन मत करिए, उस राजा की तरह बनिए जो एक्चुअली ड्रेस करके बेगर की तरह जाके अपनी प्रजा का हाल लेता है। एक और बहुत आसान तरीका इसका ये भी है कि आप नॉवेल्स पढ़िए बहुत सारी, बिकॉज क्या होता है नॉवेल में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है, जो मेन एक्टर होता है या जिसके ऊपर नॉवेल बेस्ड होती है, जब आप एक बहुत एंग्रोस्ड होकर कोई नॉवेल पढ़ते हैं तो उसके हाइज एंड लोज, उसकी प्रॉब्लम, उसके दुख दर्द आप बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। सो आप क्या होता है ये थिंकिंग और डूइंग के बीच का रास्ता है, बट इट स्टिल वर्क्स, ये फिर भी काम करता है क्योंकि आप सामने वाले की लाइफ जीते हैं उसी के साथ। तो दोस्तों रोल रिवर्सल किसी के साथ भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करने में बहुत हेल्प करता है, लेकिन रोल रिवर्सल आप मेंटली ना करिए, इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली आप करिए। ये खाली थिंकिंग में और डूइंग में बहुत अंतर है। जब आप एक्चुअली इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आप अपने पार्टनर के साथ, अपने क्लाइंट्स वगैरह के साथ कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं। एंड ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज फॉर डेवलपिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद एनीवन जिसके साथ आप एक बहुत अच्छी रैपो बनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों जनों का बेसिक कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जहाँ पर आप हमारे जो बेसिक कोर्स के जनोगा के हिंदी वीडियोस आपको मिलेंगे और आपके जो सवाल हमारे पास आएंगे उसको हम लोग वीडियोस में बना बना करके आपको फ्यूचर में डालते जाते हैं। इसके ज़रिए आप अपने आप को पूरी तरह से समझ सकते हैं, अपने माइंड को पूरी तरह से समझ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से समझ सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी किसी भी प्रैक्टिस में हैं और आप स्टक हैं तो वो क्लियर कर सकते हैं इस कोर्स के जरिए। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन जनोगा बेसिक कोर्स। सेक्सुअलिटी को लेकर के हमने अभी बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट किया है कोर्स जिसका नाम है स्पिरिचुअल मास्टरबेशन। इसमें आप अपनी सेक्सुअलिटी को, अपने बच्चों की सेक्सुअलिटी को, अपने आसपास की जो भी रिलेशनशिप की इश्यूज हैं उसको पूरी तरह से डिटेल में समझने के लिए ये कोर्स है। और आप इसको ज्वाइन करके अपने इस पूरे ब्रह्मचर्य के प्रोसेस को समझ सकते हैं कि किस तरह से एक आदमी सेक्सुअलिटी के जरिए होते हुए ब्रह्मचर्य में जा करके उसके बियॉन्ड जा सकता है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इट। पता है बिजनेस में बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमको बहुत आसानी से अगर कोई बता दे तो हमारे रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। कहा जाता है कि हमको कोई बताने वाला नहीं है, इवन MBA में भी इतनी कॉम्प्लेक्स और जार्गन करके बताते हैं कि एक बच्चा जब बिजनेस MBA करके आता है तो उसको क्लियर नहीं होता बिजनेस कैसे करते हैं। तो आप WBX ज्वाइन करके, वर्ल्ड क्लास बिजनेस एग्जीक्यूशन कोर्स ज्वाइन करके अगले 1 साल तक आपको हमारे ढेर सारे बिजनेस के वीडियोस बनेंगे जो कि हम बहुत नटशेल में खोज खोज के निकाल के ले आते हैं। दुनिया की जो बेस्ट इनसाइट्स है, बेस्ट बिजनेस बुक्स हैं उसमें से निकाल के लाते हैं, आपको शेयर करते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन बिजनेस बेसिक कोर्स या WBX। थैंक यू।